हिस्ट्री वाइन में अपने सभी दर्शकों का हम करते हैं स्वागत। आज मैं रहूंगी आपके साथ मुक्ता। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, जैसा हमारी टीम ने आपसे पिछले एपिसोड में वादा किया था कि इस बार हम आपके साथ निरंकारी जगत की अनेक खबरों के अलावा महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक निरंकारी संत समागम की विस्तृत रिपोर्ट भी पेश करने वाले हैं। जी हाँ, समागम, कल्याण यात्राएं, देश विदेश में सत्य के प्रचार के लिए किए जाने वाले प्रयास, ये सभी शामिल होंगे न्यूज डिवाइन के इस अंक में। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। हेडलाइंस ऑफ द मंथ: दिव्यवाणी, कल्याण यात्राएं, समागम, मिशन ओवरसीज, एसएनसीएफ डायरी, एक खास मुलाकात और अदर न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा दिए गए असंख्य संदेश मानवता के लिए एक वरदान है। इसीलिए उन्हें बार बार दोहराकर और उन पर अपना जीवन ढालने की कोशिश करना हम सबका कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों में है सुख, आनंद और सहजता के सूत्र। तो आइए सुनते हैं दिव्य वाणी। संतों का कथन यही है कि इंसान, तूने अपने आप को आगे बढ़ाना है। अपने आप को आगे बढ़ाने का मतलब कि तूने अपने जीवन में अच्छाई को और मजबूत करना है, तूने ह्यूमन वैल्यूज़ को और मजबूत करना है, आदमियत और इंसानियत को मजबूत करना है। ये जो पहलू हैं तेरे जीवन के, ये कमज़ोर जो हो चुके हैं इसको मजबूत करना है। हमारे शरीर में भी कोई रोग लगता है, हमारा कहीं बाजू कमज़ोर हो गया है, हमारी टांग कमज़ोर हो गई है, कोई मस्कुलर या कोई और हमारे डिसफंक्शन हो गया है, तो उसके लिए हम फिर मेहनत करते हैं कि ये जो कमज़ोर हो गया है ये मजबूत हो जाए, ये मेरा कंधा मजबूत कमज़ोर हो गया है मजबूत हो जाए, मेरे पाँव की नर्व्स और मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं तो इसको मजबूत किया जाए। अगर आर्थिक दृष्टि से हम कमज़ोर हैं तो मेरी आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत हो जाए, यानी कि उस तरफ हम जतन करते हैं जो बिगड़ गया है उसको दुरुस्त करने के लिए, जो कमज़ोर हो गया है उसको मजबूत करने के लिए हम किस कदर जतनशील रहते हैं। तो महापुरुष संत जन कहते हैं कि ये भी ज़रूरी है, ये भी लाजिम है, लेकिन दरअसल इसकी तरफ ध्यान शायद नहीं जा रहा कि जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं हमारे ही जीवन में कितनी कमज़ोर होती चली जा रही हैं, और इसको थामने और इसको बचाने और इसको मजबूत करने के लिए अक्सर हम इसकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। इसी के कारण आज ये संसार की दुर्दशा ये होती चली जा रही है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के अमर संदेश के बाद अब वक्त की रहनुमा सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के परोपकार का जिक्र करने का वक्त है। सदगुरु माता जी जनवरी के महीने में निरंकारी परिवार के लाखों भक्तों को आशीष प्रदान करने भारत के अनेक प्रांतों और शहरों में पहुंची। आइए करते हैं माँ के साथ दिव्य सफर अपने अगले सेक्शन में, जिसका नाम है कल्याण यात्राएं। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज मानव कल्याण के पथ पर चलते हुए जहां स्थान स्थान पर जाकर भक्तों को अपना पावन सानिध्य प्रदान कर रहे हैं, वहीं समय समय पर सत्संग कार्यक्रमों में भी उपस्थित होकर श्रद्धालुओं को अपने ममत्व भरे आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। इसी लड़ी में 1 जनवरी को निरंकारी चौक के समीप ग्राउंड नंबर 8 में नववर्ष दिवस के उपलक्ष्य में सद्गुरु माता जी की हुजूरी में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से भरपूर संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। सत्संग कार्यक्रम में भक्तों ने गीतों, व्याख्यानों और कविताओं में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और परम ममतामयी राजमाता जी की शिक्षाओं को याद किया।
ज्ञात हो कि इस दिन राजमाता जी का जन्म दिवस भी होता है और ये दिन निरंकारी जगत में पिछले तमाम वर्षों से नववर्ष दिवस के साथ साथ राजमाता जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस अवसर पर सद्गुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों में प्यार, सत्कार और मानवीय गुणों की ओर प्रेरित करते हुए राजमाता जी और बाबा जी की शिक्षाओं पर चलने का संदेश दिया। सद्गुरु बाबा जी की मानव कल्याण यात्राओं को जारी रखते हुए जनवरी के महीने में 22 तारीख को सद्गुरु माता जी उत्तराखंड के बाजपुर पहुंचे। यहां पर आध्यात्मिकता की खुराक के रूप में सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ठिठुरती ठंड के बावजूद इस सत्संग कार्यक्रम में सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु भरपूर संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। देर तक गीतों, विचारों और कविताओं के रूप में भक्ति की धारा बहती रही। यहाँ सद्गुरु माता जी ने उपस्थित भक्तों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। बाबा जी अक्सर हमको समझाते थे, जैसे एक शक्कर की बोरी होती है, उसको हम कहीं से भी फाड़ें उसमें से शक्कर ही निकलती है। ऐसा ही मिठास वाला संतों का जीवन होता है। हम निरंकार से अरदास करें कि ऐसा मिठास वाला जीवन हमेशा सबका ही बना रहे और प्रीत नम्रता प्यार से सेवा सिमरन करते हुए मिठास से हम ज्ञान के मार्ग पे और ऊंचाइयों तक आगे खुद बढ़ते रहें और सबको प्रेरणा दे सकें, हमारा जीवन एक प्रेरणा देने वाला बन पाए। इसी प्रकार दिल्ली के ग्राउंड नंबर 8 में प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम में भी भक्तों को सद्गुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। सद्गुरु माता जी के प्रचार प्रयास को देखने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। चिल्ड्रन आर नॉट थिंग्स टू बी मोल्डेड बट पीपल टू बी अनफोल्डेड। With this vision of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, we present a show for the kids by the kids. A platform where they'll re-explore, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. So, aaiye, har mahine is masti ki jhalki se seekhe aur sikhaye. Kids Divine. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। साथियों, वर्ष 2017 के पहले महीने में निरंकारी मिशन में दो प्रमुख समागम हुए, भक्ति पर्व और महाराष्ट्र का 50वां वार्षिक निरंकारी संत समागम। आइए देखते हैं किस प्रकार सत्य और प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से। समस्त निरंकारी जगत में भक्ति पर्व एक महत्वपूर्ण समागम के रूप में मनाया जाता रहा है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी और राजमाता जी के समय से ये समागम माघी समागम के रूप में प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मनाया जाता रहा है। वर्ष 1981 से सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में माघी समागम ने भक्ति पर्व का रूप ले लिया और हर साल जनवरी के महीने में हर्षोल्लास से मनाया जाने लगा। यूं तो माता सविंदर हरदेव जी का आशीर्वाद सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ प्रत्येक समागम में भक्तों को मिलता रहा है, इस वर्ष पहली बार सद्गुरु रूप में प्रकट होने के पश्चात माता सविंदर हरदेव जी की छत्र छाया में भक्ति पर्व समागम 15 जनवरी को गन्नौर एवं समालखां के मध्य स्थित निरंकारी आध्यात्मिक स्थल जीटी रोड पर आयोजित किया गया। इस समागम में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तथा आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों का आगमन हुआ। गौरतलब हो कि इस स्थान पर पहले भी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्र छाया में हरियाणा का प्रादेशिक समागम, मुक्ति पर्व समागम आदि अनेक समागम आयोजित किए जा चुके हैं।
15 जनवरी को आयोजित इस भक्ति पर्व के समागम में भक्तों ने भक्ति से जुड़ी अपनी भावनाओं को सद्गुरु माता जी और साध संगत के समक्ष गीत, व्याख्यान और कविता आदि के माध्यम से प्रकट किए। कार्यक्रम के अंत में सद्गुरु माता जी ने अपने आशीष वचनों में फरमाया, साध संगत जी, बाबा जी एक माँ का उदाहरण देते थे कि एक माँ कहीं भी रहे या उसका बच्चा जितना बड़ा हो जाए, कहीं भी दुनिया के कोने में चला जाए, वह एक माँ ही रहती है। इसी प्रकार संत का जीवन होता है, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, भक्ति भाव, विनम्र भाव, प्रीत प्यार से अपनी भक्ति में रहता है और औरों को भी रास्ता दिखाता है। महाराष्ट्र के प्रादेशिक समागम के उपलक्ष्य में सद्गुरु माता जी का आगमन 25 जनवरी की रात मुंबई के चेंबूर सत्संग भवन में हुआ। अगले दिन 26 जनवरी को सद्गुरु माता जी ने मुंबई के ठाणे में पहुंचकर नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन किया और भक्तों को चरणों पर नमस्कार का अवसर प्रदान कर आशीर्वाद दिया। दिसंबर का महीना आते ही मुंबई के 50वें समागम की तैयारियां शुरू हो गईं। पच्चीस दिसंबर को समागम सेवा का विधिवत उद्घाटन किया गया और बड़ी तेजी से समागम ग्राउंड का स्वरूप बदलने लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग आर बाल प्रदर्शनी चिल्ड्रन एग्जीबिशन हियर इन मुंबई एंड वी आर फीलिंग सो ऑब्लाइज्ड एंड ब्लेस्ड to be a part of 50th समागम ऑफ महाराष्ट्र। 50वां संत निरंकारी समागम मुंबई खारघर येथे संपन्न होत आहे, तर यासाठी दूरदेशातून सुद्धा लोक इथं आलेले आहेत, येत आहेत आणि त्यांची सेवा करण्याचा सुवर्ण संधी आमच्यासारख्या सेवादल पामरांना मिळत आहे, हे आमचं आम्ही भाग्य समजतो। नमस्कार, धन निरंकार, मैं रुतिका इस वक्त खड़ी हूँ मुख्य पंडाल के मुख्य मंच के पास। रात के 2 बजे है और अभी हम देख रहे हैं ये सारे सेवादल इतने रात को भी बड़ी लगन से ये सेवाएं कर रहे हैं। आइए इन महापुरुषों से पूछते हैं कि इनके सेवा भाव क्या है। आम्हाला जरा तुमच्या सेवेचं स्वरूप सांगू शकाल का कि तुमच्याकडे कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या सेवा आहेत, तुम्ही काय काय करतात? तसं बघायला गेलं तर आम्ही हे प्रोफेशनल कोणच नाहीत ह्यामध्ये। ह्याच्यामध्ये कोण कार्पेंटर आहेत, कोण पेंटर आहेत, कोण आर्किटेक्ट म्हणजे डिझाईन करणारे आहेत, पुन्हा मी आहे तो इलेक्ट्रिकलमध्ये आहे। आमच्यात प्रोफेशनल असं कोणीच नाही, पण एक गुरुचा आशीर्वाद आहे ज्याने कोण आमच्याकडनं तर सगळं करून घेतो। धीरे धीरे समागम की तिथियां नजदीक आ रही थी। मानवता के मसीहा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने जीवन की एक एक सांस मानवता के कल्याण की खातिर समर्पित कर दी थी। आपके ही परोपकारमय जीवन को समर्पित माता सविंदर हरदेव जी की छत्रछाया में पहली बार आयोजित हो रहा था महाराष्ट्र का 50वां ऐतिहासिक निरंकारी संत समागम। मानवीयता, एक समर्पित सफर। 27 जनवरी आते आते मुंबई के खारघर मैदान में निरंकारी संत समागम सज चुका था। महाराष्ट्र का 50वां निरंकारी संत समागम, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं ग्राउंड नंबर 1 के पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि महापुरुष जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं, हर तरह से इस महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। कहाँ से आए हैं? रे रोड से। कहाँ से आए हैं? परलोजनत राजस्थान, डूंगरपुर से। रे रोड से। बोईसर, बोईसर। इंदापुर, बीड़, बीड़। कहाँ से आई है? यूपी से। हम मथुरा से आए हैं। हम गुजरात से आए यहाँ सत्संग के लिए। हम मध्य प्रदेश भोपाल से आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? हम पंजाब से हैं। अच्छा, कितने सालों से आप समागम कर रहे हो? 91 से आ रहा हूँ। अच्छा जी, हर साल आप मुंबई समागम आते? हाँ, हो आते हैं। अच्छा, इस साल मुंबई का ये 50वां समागम है, क्या लगता है आपको इस समागम के बारे में? इस बार माता जी सतगुरु के रूप में प्रकट हुए, उनके दर्शन के लिए आए हम। मपुशो, कहाँ से आए हो आप? हम हरिद्वार उत्तराखंड से आए हैं जी। नाम गुरप्रीत है दास, लंदन यूके से आया है। मैं सोनिसा, इंग्लैंड से आई हूँ। यहाँ पे बॉम्बे समागम पे मेरी सेकंड टाइम विजिट है। सदगुरु पिछले साल यहाँ पे विराजमान थे, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी।
अब हम यहाँ पे उसी रूप में हम सद्गुरु माता जी को पा रहे हैं, उसी तरह वो हमें प्यार दे रहे हैं, वही सब कुछ संभाल रहे हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा सेंट्रल पार्क, जिसके सामने खारगर का मैदान, जिसे दो अलग अलग ग्राउंड्स में बांटा गया था। ग्राउंड नंबर एक, जहां सबसे पहले मुख्य द्वार, जिस पर लगी हुई बाबा जी की मोहक आकृति मानो हर आगंतुक पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही थी। मुख्य पंडाल के दोनों ओर बने अनेक कार्यालय समागम में आए हुए भक्तों को जरूरी सुविधाएं मुहैया करा रहे थे। जगह जगह पर मिशन के आदर्शों और गतिविधियों को दर्शाती अनेक प्रदर्शनियां भी लगाई गई थी। ग्राउंड नंबर दो में एक विशाल लंगर की व्यवस्था थी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक साथ स्वास्थ्यवर्धक लंगर तैयार कर श्रद्धा पूर्वक परोसा जा रहा था। माय नेम इज रोशनी राजपूत एंड आई हैव गॉट सेवा एट लंगर, और 8-10 दिन से हम लोग यहीं पर हैं। लंगर की सेवा में जैसे सारी सात संगत आती है, उनको लाइन में बिठाकर जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, जिसे इतने प्यार से नम्रता से सबको खिलाया जाता है, और यही बाबा जी ने हमें सिखाया है। बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में, आनंद आता है। मैं इस मिशन से बचपन से जुड़ा हूँ और बचपन से मुझे सेवा में वो लाभ मिलता है जो शायद जब हम काम वगैरह करते हैं तो वहाँ पे 8 घंटा निकलना होता है, लेकिन यहाँ से अलग ही महसूस होता है, जो कि हर मिनट हर सेकंड में जो अलग सी एक ऊर्जा निकलती है जो हमें थकने नहीं देती, और ये माता जी का अक्सर ही आशीर्वाद हमारे ऊपर कृपा रहती है। लंगर के स्थान के निकट ही प्याऊ की भी व्यवस्था थी। इसके अलावा ग्राउंड नंबर दो में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रिहायशी टेंट भी बनाए गए थे। इस प्रकार माया नगरी मुंबई की धरती में एक कोने में ये आध्यात्मिक नगरी भी सजी हुई थी। Welcome to the 50th Maharashtra Sant Samagam, which is dedicated to the teachings of Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Lakhs of devotees, not only from India, but from various corners of the world, have gathered here to pay a tribute to humanness. The entire Samagam reflects the memories of Sadguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj in the form of humanism, a dedicated journey. The plannings of the Samagam have taken place ahead of time under the guidance of Sadguru Mata Savinder Hardev Ji Maharaj. Samagam ke pehle din mukhya dwar se pandal tak bhakt jan qatar badh khade hokar apne vartaman sadguru ki pratiksha kar rahe the. Charo aur shraddhaluon ka hujum tha, lekin ek stabdhata aur shanti chhai hui thi. Khule vahan mein सादगीपूर्ण ढंग से सद्गुरु माता जी का आगमन हुआ। इस अवसर पर हजारों भक्तों की आंखें सद्गुरु बाबा जी की याद में नम हो गईं। मध्यम मध्यम स्वागत गान के बीच सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सद्गुरु माता जी मुख्य मंच पर विराजमान हुई और सत्संग कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। आध्यात्मिकता के 3 दिवसीय इस महायज्ञ में तीनों दिन सद्गुरु माता जी की छत्र छाया में दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सत्संग की रूहानी धारा बहती रही। समागम के 3रे दिन का मुख्य आकर्षण था बहुभाषीय कवि सम्मेलन, जिसका शीर्षक था कर्ज चुकाया जाए ना हरदेव तेरे एहसानों का। अनेकों अनेकों ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने जीवन में सत्संगत सदगुरु के सत्संग एक एक वचन को महत्ता दी, तो आज सत्संगत हम सभी पर भी इसी रूप में ही सदगुरु माँ की कृपा हो रही है, जिसकी कृपा बदौलत ही सत्संगत ये सारी सुंदरता हमें मिल रही है। इतनी सत्संगत वरना हमारी कोई औकात नहीं है, क्योंकि सत्संगत इनका ही तो सारा कुछ दिया हुआ है। पाक पवित्र अवतार वाणी की पंक्ति अक्सर जहन में वो आती रहती है कि सदगुरु है एक प्यार का सागर जो सबको प्यार सिखाता है, अवतार गुरु का दिल है कोमल जो सबको गले लगाता है।
सिखा रहे हैं सतगुरु हमको को जीना सिखा रहे सतगुरु हमको। मेरी गलतियों का नहीं अंत कोई, तेरी रहमतों की भी गिनती कहाँ है, ना मुझ सारी को संगत पारस लोहे के साथ छू जाता है तो वो सोना तो बनता है, पारस नहीं बनता, लेकिन इनके चरणों में जो आता है शीश झुकाता है ये अपने जैसा बना लेते हैं, इस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। सात संगत सतगुरु बाबा जी की यही सिखलाई थी कि हमने हर संत का आदर करना है। तुझा दरबारी जो भी यही, तुझा दरबारी जो भी यही, खाली हातानी जात नसे, ब्रह्म रसाचा पाजुने प्याला मोक्ष पदाला नेता से। धन भाग्य हमारे हमें मिला, धन भाग्य हमारे हमें मिला, तुमसे जीवन भर प्यार दुलार, तुमसे जीवन भर प्यार दुलार, उपकार उपकार भुला सकता है कौन, तुमसे पाए वरदानों का कर्ज चुकाया जाए ना, हर देव तेरे एहसानों का। तोड़े नफरत की दीवारें हम दिल से सब मिलकर रह पाए, मिल जाए दिल दिल से, तोड़े नफरत की दीवारें हम दिल से सब मिलकर रह पाए, मिल जाए दिल दिल से रे आ गए। सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज जी के छत्र छाया में 1981 से 2016 तक महाराष्ट्र में 36 समागम हुए। युग परिवर्तन के साथ 50वां महाराष्ट्र संत समागम सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी की छत्र छाया में संपन्न हो रहा है और ये धारा आगे भी चलती रहेगी। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन धन कार्य। आज हम यहाँ महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक संत समागम पे इधर मिल के बैठे हुए हैं, जिसे हम एक ट्रिब्यूट की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बाबा जी एंड हिज कंप्लीट सरेंडर फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, लव फॉर ऑल। और जैसे पहले भी दास ने बोला था, ही वॉज जस्ट लव पर्सोनिफाइड। आपने अभी महापुरुषों को कविताओं में, गीतों में, प्रवचनों में सुना, किस प्रकार सबने जिक्र किया कि अपनी सेहत की, खाने पीने की, आराम की चिंता किए बगैर उन्होंने दिन रात मिशन के लिए लगाया, ताकि इस ब्रह्म ज्ञान को हम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकें। वह जिसे भी मिले, भले पहली बार मिले, एक अपनी छाप छोड़ी बाबा जी ने सब पे, और ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्यार करने के लिए नहीं बोला सबको, उन्होंने खुद प्यार करके दिखाया सबको। एक सेइंग है, इफ़ यू वांट टू बी ट्रूली लव्ड, बिकम लव्ड।
साध संगत जी यहाँ बाबा जी का परिवार बैठा है सारा। अक्सर हम एक बच्चे को देख के बोलते हैं इसका बिहेवियर, इसका बातचीत करने का तरीका अपने पिताजी से कितना मिलता है। तो बाबा जी ने तो सबको सिर्फ प्रीत प्यार नम्रता सिखाई, जिसको मिले झुक के मिले, अदब से मिले सबके लिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सबके लिए उनके अंदर रिस्पेक्ट था। साध संगत जी हर गुरसिख का जीवन ऐसे बन जाए ताकि जो भी मिले हम उसको प्रीत प्यार नम्रता से मिले और ऐसी पहचान बन जाए ताकि किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े ये कौन है, हमारे कर्मों से हमारी निरंकारी होने की पहचान बन जाए। साध संगत जी हमने बढ़ चढ़ के इस मिशन के कार्य को आगे बढ़ाना है, बाबा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है और हमने अपनी कर्मों द्वारा अपनी लकीर लंबी करनी है, किसी की लकीर मिटा के अपनी लकीर लंबी नहीं करनी। साध संगत जी एक एक गुरसिख के फेस से ऐसी डिविनिटी रिफ्लेक्ट करे, पीस सेरेनिटी रिफ्लेक्ट करे कि जो भी देखे एक मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो, और ऐसा ही जीवन बाबा जी ने सारे महापुरुषों से चाहा। अरदास करें सबका ऐसे बन पाए और मिशन को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पाएं। साध संगत जी धन निरंकार जी। समागम के दूसरे दिन मुख्य पंडाल में सेवादल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें सेवादल के भाई बहनों ने इति परेड, मार्चिंग गीत इत्यादि के माध्यम से सदगुरु माता जी को अनुशासित ढंग से सलामी दी। इसके अलावा अनेक रोचक प्रस्तुतियों के माध्यम से मानवीय मूल्यों की ओर जनता को प्रेरित किया गया। समागम के तीसरे दिन के अंतिम दौर में मानवता के मसीहा सदगुरु बाबा जी को समर्पित भक्तिमय प्रस्तुति का आयोजन किया गया। मुस्कान तेरी है दिल में बसी, नजरों में तेरा ही चेहरा है, सब में है तू, सब तुझ में है, ये इश्क बड़ा ही गहरा है। तूने प्यार ये हमको इतना दिया, लफ्जों से करें कैसे ये बयां, जिंदगी इश्क ही है तेरा, जिंदगी इश्क इश्क तेरा। समागम संपन्न होने के उपरांत 30 जनवरी को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से सामूहिक शादियों का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 110 युगल जोड़े सदगुरु माता जी की छत्र छाया में वैवाहिक सूत्र में बंधे और सदगुरु से भक्तिपूर्ण सुखमय जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के परोपकारी जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सदगुरु माता जी की छत्र छाया में प्रत्येक पल भक्तिमय वातावरण में बीतता रहा और संपन्न हुआ महाराष्ट्र का 50वां निरंकारी संत समागम। समागमों का सफर तय करने के बाद अब वक्त है निरंकारी मिशन के विदेशों में बसे महात्माओं द्वारा किए जा रहे उद्यमों पर नजर डालने का। Let us take a look at the selfless act of service being done by the volunteers and followers of the mission across the globe in our section Mission Overseas. Sant Nirankari Mission Melbourne Branch celebrated Australia Day on 26 January, the day that also coincides with the Republic Day of India. Volunteers of SNM Melbourne Branch participated in the Melbourne Parade, showcasing the ideology of the mission by holding the posters with His Holiness's messages of World Without Walls and Bridging Humanity, Peace by Peace. Leicester Branch of Sant Nirankari Mission UK have celebrated World Religion Day, where other faith leaders were invited to talk about their religion. Mission Overseas ke baad Swadesh ek baar phir laut aate hain, par apne agle section ki aur aage badhne se pehle sunte hain ye sandesh. Children are not things to be molded, but people to be unfolded.
With this vision of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj, we present a show for the kids by the kids. A platform where they'll re-explore, reinvent and learn with human values to be the change makers for a better world ahead. तो आइए हर महीने इस मस्ती की झलकी से सीखें और सिखाएं। Kids Divine, एक रूहानी मुस्कान। वेलकम बैक व्यूअर्स। जहां निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक प्रयास मानव समाज में प्रेम और शांति का संदेश फैला रहे हैं, वहीं मिशन के ही अंग संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा अनेक सामाजिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि ये सारा संसार एक ही परिवार है, और अगर एक परिवार है तो सभी अपने हुए ना, और अपनों के लिए योगदान देना, सहारा बनना, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। आइए देखते हैं SNCF के स्वयंसेवकों द्वारा किए गए हर एक कार्य को, जहां वो अपने कर्तव्य को बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। वक्त है हमारे अगले सेक्शन का, जिसका नाम है SNCF डायरी। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से जनवरी माह वर्ष 2017 में भी संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में निरंतर सामाजिक कार्यों द्वारा समाज में अपना योगदान दे रहा है, और जनवरी के महीने में भी SNCF के सामाजिक कार्यों की गतिविधियां चलती रही, जहां 3 जनवरी को मुंबई में एक आई चेकअप कैंप लगाया गया और SNCF के वॉलंटियर्स ने डॉक्टर्स के आदेशानुसार मरीजों की देखरेख की। 5 जनवरी को एक भव्य वॉकाथॉन में SNCF के वॉलंटियर्स ने हिस्सा लेकर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के महत्व को उजागर किया, और 5 जनवरी को ही निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स का एक और केंद्र इंद्रलोक सत्संग भवन में खोला गया, जहां बहन बिंदिया छाबरा जी, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट SNCF के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। रक्तदान की लड़ी में 10 जनवरी को सूरत में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इसी महीने की 10 तारीख को जबलपुर में और 11 जनवरी को मुंबई में NDTV के साथ मिलकर एक रोड सेफ्टी कैंपेन चलाया गया, जहां ट्रैफिक के नियमों के बारे में लोगों को बताकर उन्हें अमल में लाने पर जोर दिया गया। 10 जनवरी को ही काल महादेव घाट रायपुर में जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें मिशन के सेवादारों व संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के स्वयं सेवकों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर इस कार्य में अपना सहयोग दिया। 12 जनवरी को सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में SNCF हैज अडॉप्टेड 2 विलेजेस, पांची गुजरान इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट एंड पार्टी कल्याण इन पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, जहां SNCF के लगभग 700 वॉलंटियर्स ने साफ सफाई की, साथ ही अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य देखरेख की गई व मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। नमस्कार, हमारे साथ हैं किशन जी, जो ब्लॉक समिति गांव पट्टी कल्याणा के सदस्य हैं। किशन जी, आप बताइए कि आप कब से इस गांव में हैं, और क्या ऐसा सफाई अभियान पहले भी आया, और आपको कैसा लग रहा है आज? नहीं, मैं मेरी उम्र करीब 30 साल हो चुकी है, आज तक कोई भी ऐसा प्रोग्राम हमारे गांव में नहीं हुआ। संत निरंकारी मंडल ने जो गाँव में सफाई अभियान चलाया है, गाँव को आज उन्होंने अडोप्ट किया है, उसके लिए हम पूरी पंचायत भाई अनिल सरपंच श्रीमती निशा देवी और कृष्ण मैं और पूरे गांव वासियों की तरफ से सत्संग मंडली का इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, हम खड़े हैं गांव पट्टी कल्याणा, हमारे साथ हैं अनिल कुमार जी जो सरपंच पति हैं। मैं सतगुरु माता जी का दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और बाबा जी का भी जो उन्होंने हमारे को ऐसा ये गाँव का पूरे को आशीर्वाद दिया और ऐसा अभियान चला। जैसे कि हम सवेरे से देख रहे हैं, बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज के भी हैं, लड़कियां भी हैं, औरतें भी हैं साथ में, और मेरे हिसाब से सभी बगैर पैसे के हैं, कोई पैसा नहीं लेता, ये बिल्कुल सेवा भाव से काम कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चैरिटेबल फाउंडेशन का हम बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे गांव में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, माता जी की कृपा से, आशीर्वाद से हमारे गाँव में जगमग हो गया है, यहाँ रोशनी छा गई है, हमारा दिल बहुत खुश है निरंकारी मिशन के साथ जुड़ के। जो भी निरंकारी मंडल की तरफ से हमारे गाँव में सफाई की जा रही है, ये मतलब एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया इन्होंने।
हमारे साथ हैं राजवीर जी जो इस प्राइमरी स्कूल गांव पांची गुजरान के हेडमास्टर हैं। ये भी अचंभे में हैं कि ये पहली बार इतने वर्षों में इतना कुछ कार्य इस स्कूल के अंदर हो रहा है, जहां पर एक सेवा दल स्कूल के डेस्क पेंट कर रहे हैं, दीवारें पेंट कर रहे हैं, दरवाजे ठीक कर रहे हैं और साथ ही साथ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका क्या अनुभव है इस बारे में। देखिए, मैंने पहली बार इतने बड़े स्तर पर काम होता हुआ देखा है। यहाँ पर इस स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, तो एक साथ आज वे सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। जैसे बेंचेज टूटी हुई थी, अब बेंचेज ठीक हो रही हैं, वाइट वॉश का काम नहीं था, वाइट वॉश का काम हो गया है। खिड़कियाँ टूटी थी, खिड़कियाँ ठीक हो गई है। पार्क सारा बिगड़ा हुआ था, पार्क का काम हुआ है। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु माता जी का और सेवा निरंकारी सेवा दल का, जिन्होंने ये गरीब बच्चों के लिए या समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। हम खड़े हैं गांव पांची गुजरान, डिस्ट्रिक्ट गन्नौर, जहां पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन और संत निरंकारी मंडल मिलकर ना सिर्फ सफाई अभियान चला रहे हैं, बल्कि आज एक चिकित्सा शिविर भी यहां पर लगा हुआ है, जहां पर आसपास के तमाम जितने भी लोग हैं मुफ्त चिकित्सा हेतु और दवाइयाँ प्राप्त करने हेतु आज यहाँ पर आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ फॉर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, और मुझे ये लगता है कि मैं बार बार आऊँ यहाँ पे, जितना मैं सेवा कर सकती हूँ उतना अपनी तरफ से कर सकती हूँ। और यहाँ पे 10 से 12 डॉक्टर्स हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अभी तक हमने 100-150 पेशेंट्स देख लिए हैं। हमारे साथ हैं ग्राम पांची गुजरान के सरपंच जगदीप मकड़ जी। संत निरंकारी चैरिटेबल व संत निरंकारी सेवा दल द्वारा सफाई अभियान व हेल्थ चेकअप कैंप चला गया, मैंने देखा बहुत ही क्लीन कर दिया। ऐसा हम सपोज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो काम कई सालों में होना था वो इन्होंने एक दिन में ही करके ये चीज़ साबित कर दी कि संत निरंकारी मंडल और चैरिटेबल फाउंडेशन है जो बहुत ही ऊँचे स्तर पर काम कर रहा है। हमारे गाँव के लोग जो सक्षम नहीं थे दवाइयाँ लेने में, किसी चीज़ लेने में, वो मंडल ने प्रोवाइड किया, चैरिटेबल ने प्रोवाइड करके हमारे गांव में काफ़ी इस बात की खुशी है। और मैं संत निरंकारी चैरिटेबल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा। SNCF के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा जहाँ हर क्षेत्र में होती रही, वहीं इस माह भी सदुल शहर श्री गंगानगर के SDM द्वारा SNCF को सम्मान पत्र दिया गया और NDTV द्वारा भी SNCF की अभिमूल्यन रूप में एक वीडियो रिपोर्ट भी दिखाई गई। इसी माह दिनांक 13 को सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से इनोग्रेटेड ऑफ मॉडर्नाइज स्कूल बिल्डिंग संत निरंकारी पब्लिक स्कूल गोविंदपुरी। साथ ही इसी संत निरंकारी पब्लिक स्कूल गोविंदपुरी दिल्ली में ही सिंगर इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर SNCF ने एक और सिलाई केंद्र खोला, जिसका उद्घाटन भी स्वयं सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। 14 जनवरी को युवा पीढ़ी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए एक यूथ वर्कशॉप भोपाल में लगाया गया। 15 जनवरी को मध्य प्रदेश शहडोल जिले में मकर संक्रांति मेले के दौरान 1500 जरूरतमंदों को SNCF द्वारा कपड़े व कम्बल प्रदान किए गए। इसी महीने कश्मीरी शरणार्थियों को भी वस्त्र व अन्य सामान वितरित किए गए। 29 जनवरी को इलाहाबाद में व्हीलचेयर प्रदान किए गए। इसी प्रकार समाज सेवा के इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी को बहन रेणुका जी नवी मुंबई स्थित बाल आश्रम पहुंची। यहां उन्होंने खाने पीने की अनेक वस्तुओं सहित मिशन की पत्रिका हस्ती दुनिया भी अनाथ और निराश्रित बच्चों में वितरित कर बाबा जी व माता जी के दया, प्रेम व करुणा के भाव को साकार रूप दिया। आध्यात्मिक विचारधाराओं की लड़ी में महाराष्ट्र का 50वां वार्षिक संत समागम का आयोजन किया गया, वहीं SNCF के कार्यों को एक भव्य प्रदर्शनी के माध्यम से समागम में आए आगंतुकों को SNCF के कार्य क्षेत्रों से अवगत कराया गया, जहां आगंतुकों ने भी इसका उत्साहपूर्वक अवलोकन कर अपने भाव व्यक्त किए। We encourage women, those who wants to work and they are uneducated, but they can come to us and wherein we have started, wherein they can work. As we have multiple things to do, like if they are ready with the stitching or they want to get into stitching or beautician course or for the mehndi course, so they can learn from you. दूसरी ओर समागम में ही आए, हर बार की तरह इस बार भी दूर देशों से कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स की टीम ने पहुंचकर निष्काम सेवा भक्तों के प्रति समर्पित कर जनमानस को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया। स-
So what truly inspires us is the love of the Sadhguru, the sacrifices that all our Sadhguru masters have done in the past, and the prophets as well, and the saints. All their sacrifices inspire us to want to also be able to serve humanity in that way, as we learn from their example. What inspired me to come to India and help was to serve and help the people. I've heard from other chiropractors, my colleagues back in Europe, how a powerful impact it had on their life coming here and helping the people at such a place where everyone is so loving and giving and happy. It gets better every time. And I'm just sorry that Babaji isn't here. I was here 2 years ago in November, and we were in Delhi, and I have to say that the whole experience has been upgraded. साथ ही SNCF द्वारा चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, विकलांग शिविर व अन्य सुविधाएं आए हुए श्रद्धालुओं को प्रदान की गई, जिसका भरपूर संख्या में भक्तों ने इसका लाभ उठाया। SNCF डायरी के समाचारों के बाद अब समय हो चला है एक खास मुलाकात का। ये वो सेगमेंट है जिसमें हम मिशन से प्रभावित सज्जनों की राय आप तक लेकर आते रहते हैं। तो फिर देर कैसी, आइए करते हैं एक खास मुलाकात। न्यूज डिवाइन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि मुंबई के महाराष्ट्र के 50वें वार्षिक संत समागम के अवसर पर चीफ मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी मैडम अमृता फडणवीस जी हमारे साथ हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। मैम से हम जानना चाहेंगे कि अमृता जी यहाँ पर आए तो उनका कैसा अनुभव है, और निरंकारी मिशन के योगदानों के बारे में वो क्या कहना चाहेंगी? ये बहुत अद्भुत अनुभव है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि सविंदर माता जी जो माँ है हमारी, वो गुरु माँ बनी है, और उनका स्नेह यहाँ हर तरफ बरस रहा है। मिशन ने तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं, चाहे वो लोगों को बहुत ही सरल तरीके से सिखाना कि जीवन कैसा बिताया जाए, या ब्लड डोनेशन स्कैम डोनेशन के कैंप्स करना जिसमें हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ है। तो मिशन के काम तो अति सराहनीय है, और जैसे कि आपने देखा भक्तों की तो यहाँ तांता है, और सभी के मन में एक श्रद्धा का भाव है, और इन्होंने संतों ने हमें जीवन का रास्ता दिया है, रास्ता दिखाया है, सही रास्ता, भौतिक जीवन से आगे निकल के शांति से एक साथ रह के कैसा जिया जाए। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ। थैंक यू मैम। और आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे न्यूज़ डिवाइन के व्यूवर्स को? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि संतों से सीख लेते हुए हम सब ने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हम हर पीड़ित की मदद कर पाए। हमने जात भेद धर्म से ऊपर उठ के एक मानवता अपनानी चाहिए, और मानवता अपनाते हुए हर इंसान को खुशी पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। देखा साथियों, आज विश्व भर में निरंकारी मिशन के संदेश बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के परोपकार और सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी के स्नेह का जिक्र हो रहा है। सभी और इस रोशनी का फैलाव हो रहा है, और इस मुहिम में शामिल हैं लाखों निरंकारी भक्त। क्योंकि जब कोई भक्त अपने स्वभाव से, अपनी भक्ति से, अपने आचरण से समाज को प्रभावित करता है, तो वो प्रचार ही कर रहा होता है। आइए मिशन के प्रचार प्रसार में उठाए जाने वाले अन्य कदमों की ओर रुख करते हैं अपने अंतिम सेक्शन में, जिसका नाम है अन्य समाचार। 12 जनवरी को निरंकारी कॉम्प्लेक्स में सद्गुरु माता जी ने सभी सेवादारों को चरणों पर नमस्कार का अवसर प्रदान कर आशीर्वाद दिया। मुंबई समागम के दौरान मिशन के प्रेस एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से निरंकारी मिशन के इतिहास को उकेरती भव्य प्रदर्शनी लगाई गई, जो आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र रही। इसके अतिरिक्त मुंबई समागम में बच्चों के बहुमुखी विकास को उकेरती बाल प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें समागम के तीनों दिन देखने वालों का तांता लगा रहा।
तो लीजिए, न्यूज डिवाइन के इस एपिसोड का सफर अब संपन्न हो रहा है, पर सच्चाई का सफर कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए फरवरी महीने की सभी सूचनाएं और समाचार हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले महीने। और साथ ही न्यूज डिवाइन के इस बुलेटिन में एक और खासियत रहेगी, कोलकाता का क्षेत्रीय समागम जो 25 और 26 फरवरी सन 2017 को होने वाला है। उसकी रिपोर्ट भी आपके लिए हम लेकर आएंगे न्यूज डिवाइन के हमारे अगले अंक में। फिलहाल दीजिए इजाजत हमारी पूरी टीम को। नमस्कार, धन निरंकार।